दैनिक साथी के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। ये हैं आज के मुख्य समाचार। बावल के गांव चिरहाड़ा के नजदीक जामुन खाने पेड़ पर चढ़ा युवक वहां से गुजर रही हाई वोल्टेज लाइन के तार की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से शव को उतारा गया। झारखंड का रहने वाला है मृतक। कैंसर अस्पताल के कार्यक्रम में आखिर क्यों आया मंत्री जी को गुस्सा, जो जिला अधिकारियों को लगाई गई फटकार। मंत्री जी की सभा में आखिर कौन सा गंभीर मसला था जिस पर बात कर मंत्री जी के संबोधन में खलल डाल रहे थे प्रोटोकॉल में पहुंचे अफसर। रेवाड़ी जिले के औद्योगिक कस्बे धारूहेड़ा में दो घरों में लाखों रुपए की चोरी हो गई। चोर एक घर से तो 7 लाख के गहने और 1.5 लाख रुपए की नकदी चोरी कर ले गए। दूसरे घर से गहने और अन्य सामान चोरी हुआ है। धारूहेड़ा थाना पुलिस ने दोनों मामले दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। बस की टक्कर से बाइक चालक की मौत हो गई है। रेवाड़ी के बामड़ गांव में हुआ हादसा। मृतक दुबई में नौकरी से हाल ही में छुट्टी पर लौटा था। जिले के कोसली कस्बे के 3 युवकों से दिल्ली के कोर्ट में बाबू लगवाने का झांसा देकर 20 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। उन्हें ज्वाइनिंग से संबंधित फर्जी ईमेल भी दिए गए, लेकिन जब कोर्ट जाकर पता चला तो सब कुछ फर्जी निकला। कोसली थाना पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। जिले के एक गांव निवासी नाबालिग छात्र को नशीला पदार्थ पिला उसे यौन उत्पीड़न करने और उसकी वीडियो बनाकर वायरल करने के मामले में सदर थाना पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी भी पीड़ित छात्र के ही संस्थान में पढ़ता है। कोसली थाना पुलिस ने बाईपास के निकट मार्च माह में युवक की हत्या कर शव फेंकने के मामले में दो आरोपियों बोरियाखेड़ा फतेहाबाद के सुनील और सहलावास झज्जर के अनिल को गिरफ्तार किया है। अगर मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित होती है तो 29 और 30 जून को प्रदेश के कई जिलों में वर्षा के आसार। 3-4 जुलाई तक पूरे हरियाणा में छा सकता है मानसून। डीसी अशोक कुमार गर्ग ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए रेवाड़ी जिले में बैंक एटीएम बूथ पर सीसीटीवी कैमरे व सुरक्षा गार्ड लगाने के आदेश जारी किए हैं। छुट्टी नहीं मिली तो नगर परिषद की अधिशासी अभियंता ने डीएमसी को सौंपा इस्तीफा। 2 सप्ताह का वक्त देकर सरकार और मुख्यालय ने पूछी मंशा। 1.5 साल बाद होनी थी सेवानिवृत्ति। बागवानी अनुदान परियोजनाओं के लिए सरकारी पोर्टल लॉन्च। बागवानी योजनाओं में दिया जा रहा है 25% से 100% तक का अनुदान। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया 29 जून बुधवार को दोपहर 2 बजे जिला सचिवालय सभागार रेवाड़ी में जिले से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेंगी। मुख्यमंत्री ने वीसी के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई की 7500 प्रदर्शनी परियोजनाओं का उद्घाटन कर किसानों को किया समर्पित। डीसी अशोक कुमार गर्ग ने सूक्ष्म सिंचाई प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। भूजल स्तर को ऊंचा उठाने में सूक्ष्म सिंचाई सरीखी महत्वाकांक्षी योजना अहम। 1 जुलाई से जन भागीदारी से ही मिलेगी सिंगल यूज प्लास्टिक से निजात। स्वच्छ बनेगा रेवाड़ी। डीसी अशोक कुमार गर्ग ने कहा जिले में प्लास्टिक वेस्ट रूल्स की सख्ती से पालना की जाए सुनिश्चित। रेवाड़ी के बाल भवन स्थित ओपन एयर थिएटर में रिजंगला नाटक का मंचन 11 को। जींद के कलाकार दिखाएंगे रिजंगला युद्ध में शहीद हुए वीरों की शौर्य गाथा। नाटक में सफल मंचन के लिए डीसी की देखरेख में तैयारियां शुरू। आजादी अमृत महोत्सव की श्रृंखला में कुरुक्षेत्र के उष्णकटिबंधीय फल केंद्र लाडवा में 29 व 30 जून को 2 दिवसीय फल उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार की आम की किस्मों को देखने का अवसर मिलेगा। अवैध शराब व गांजा सप्लाई करने का आरोपी यादव नगर का भूपेंद्र गोलू पकड़ा गया। पुलिस ने पहले आरोपी से 118.40 ग्राम गांजा तथा 43 पौवे शराब किए थे बरामद।